नमस्कार। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली और यहाँ सूर्य के कट से कनिष्ठा उंगली आपकी आगे बढ़ गई है, यानी कि जब ये कनिष्ठा उंगली ज़्यादा बढ़ जाती है तो व्यक्ति को जल्दबाजी से जीवन में कई बार नुकसान उठाती है। व्यक्ति अपनी एकाग्रता को खो बैठता है, साथ ही साथ जल्दबाजी करके नुकसान उठा पाता है। इसलिए आपको इस बात पर हमेशा ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ बुद्धि की बात करें तो बुद्धि ठीक है, भाषा सही, शैली ठीक है, बस ज़रा जल्दबाजी से आपको बचना है। आइए बात करता हूँ आपकी सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली नीचे से मोटी है, अच्छे परिवार में पैदा हुए हैं, साथ ही साथ यहाँ उंगली सीधी जा रही है, यानी कुल मिलाकर कहें तो ये इस बात को जब पतली पड़ जाती है तो व्यक्ति के संघर्ष का फल उसे बहुत डिफिकल्ट रूप से बहुत मेहनत कराने के बाद मिलता है। उंगली क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति की उंगली से बड़ी है तो जीवन के उत्तरार्ध में, यानी जीवन के लगभग लगभग मैं समझता हूँ 55 वर्ष के बाद में ज़्यादा तरक्की मिलती है ऐसे व्यक्तियों को। यहाँ शनि की और सूर्य की उंगली के बीच में जब इतना बड़ा गैप हो जाता है तो यहाँ पैतृक संपत्ति अगर हो तो वो विवादों के साथ मिलती है, साथ ही साथ व्यक्ति चाहकर भी माता पिता की सेवा भी नहीं कर पाता है। अब बात करेंगे यहाँ शनि की उंगली की। इसके बीच में ये कट, यानी ऐसे व्यक्ति का यदि कोई किसी पैसा ले ले तो वैसे व्यक्ति का पैसा बहुत मुश्किल से लौट करके आता है, यानी कि धन आपको उधार नहीं देना है, आपको किसी को धन उधार नहीं देना है। इस बात से आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, वरना आपका पैसा इन्वेस्ट होकर के लौट कर नहीं आएगा। एक बात मैं और साथ के साथ बताता चलूं कि आपने इसके अंदर शनि और सोने का दोनों का संगम कर रखा है तो कृपया करके इसमें से एक ही रिंग पहनी है आप। वह तो बाद में बताने वाला हूँ कौन सी रिंग पहननी है, लेकिन यहाँ आप केवल और केवल बस एक ही अगर छल्ला पहन के रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, वरना यहाँ ग्रहण दोष बन जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम आपकी बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली ज्ञान की उंगली और कुल मिलाकर के सेकंड पर ये वाला कट, यानी कि कुल मिलाकर अपने व्यवहार में थोड़ा सा पत्नी के साथ में नम्रता रखिए और यहाँ थोड़ा जल्दबाजी से बचिए, तो इस बात को दर्शाता है ये आपकी उंगली। अब बात करूँगा यहाँ बुध पर्व की। बुध का पर्व और बुध के पर्व पर 2 से 3 रेखाओं का खड़ा होना अनिवार्य होता है। यदि वो रेखा यहाँ अच्छी तरीके से अभी नज़र नहीं आ रही है, एक ही रेखा नज़र आती है, 3 रेखा तक यदि हाँ आ रही है नज़र यहाँ पर तो हल्की है, ये डार्क रूप से होनी चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को जब ये रेखाएं डार्क 2 से 3 रेखाएं खड़ी हो जाती हैं तो धन के आगमन निरंतर रूप से बने रहते हैं, साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग भी प्राप्त होता है। एक रेखा सूर्य पर्वत से निकलकर बुध पर्वत को पहुंच रही है, यानी कि आपको यात्रा जरूर करवाएगी, यानी आपको मेहनत जरूर कराएगी, ट्रैवलिंग जरूर कराएगी। अब बात करता हूँ मैं सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश के लिए जानी जाती है, साथ ही साथ ज़्यादा यात्राओं के लिए जानी जाती है। कुल मिलाकर के थोड़ा डिस्प्यूट भी अगर होते हैं तो उनको लिए भी मानी जाती है। यहाँ पर ये इस प्रकार को दर्शाती हुई है कि राज्य सरकार के टेंडर्स जो यदि आप थोड़ा ले सकते हो या संविदा की जॉब तो उसके द्वारा आपको कुछ लाभ दिलाएगी। बात कर लेते हैं यहाँ पर तो राज्य सरकार से कुछ लाभ के संकेत दिखलाती है। साथ ही साथ यहाँ शनि के पर्वत की बात करता हूँ। शनि का पर्वत और यहाँ पर अनुकूल रेखाएँ, यानी बिल्कुल 55 वर्ष के बाद बहुत अच्छी स्थिति आपके जीवन में आने वाली है। जो आपको धन की जो समस्याएं जो आप कहते हो या मकान की समस्या है वो सब की सब खत्म हो जाएंगी। अब बात करूंगा यहाँ बृहस्पति पर्व की। बृहस्पति पर्व पर हालांकि बहुत अच्छी रेखाएं नहीं हैं, लेकिन यहाँ अपने आप में पर्वत अनुकूल है, साथ ही साथ अंदर के आने वाली रेखाएं जब आती हैं बाहर से थोड़ी सी तो कुछ व्यक्ति को देरी के बाद में तरक्की मिलती है, तो यहाँ पर ये चिन्ह हो गए। अब बात करूँगा आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा और हृदय रेखा यहाँ पर बहुत मोटी हृदय रेखा है। जब मोटी हृदय रेखा होती है तो व्यक्ति हृदय से बहुत मजबूत होता है, यानी कुल मिलाकर के बीमार भी बहुत कम पड़ता है। बीमारी आती है तो उसे जल्दी से जो है फिर उससे पीछा भी नहीं छूटता है, फिर व्यक्ति को थोड़े दिन ज़रा उसको यानी कि आराम से व्यक्ति हॉस्पिटल नहीं जाता, चला जाए तो थोड़ा विश्राम करके आता है। तो चलिए यहाँ हृदय रेखा फिर भी मजबूत है, मन से आप कहीं भी कमज़ोर नहीं हैं। अब बात करूँगा यहाँ पर मैं आपकी सीधा सीधा आपके मंगल के पर्व की। मंगल पर्वत से एक रेखा इतनी बुरी तरीके से चली जाए और यहाँ जाकर हृदय रेखा को छुए, ये रेखा व्यक्ति को मांगलिक योग जैसी स्थितियों के लिए जानी जाती है। जो व्यक्ति मांगलिक होते हैं उनके हाथ के अंदर ये वाली रेखाएँ जानी जाती हैं। साथ ही साथ यदि कुछ कहूँ तो थोड़ा हृदय रेखा को अच्छा है ने टच कर रखा है, तो यानी व्यक्ति मन के अंदर परिवार को कहीं ना कहीं प्रेम तो बहुत करता है।
अब बात करूंगा यहाँ पर मैं आपके द्वितीय मंगल पर्व की रेखाओं के बारे में। तो मंगल पर्व से बाकी की जो रेखा निकल रही हैं ये सब रेखाएं संघर्ष की रेखा जानती हैं, यानी कि व्यक्ति निकम्मा नहीं है, कुल मिलाकर मेहनत करता है। और यहाँ पर इस प्रकार को दर्शाने वाली रेखाएं अब बता रही हैं कि आप जो है संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं। तो बिल्कुल मेहनत कर सक इंसान का ये मेरे सामने हाथ है। अब बात करूँगा आपकी यहाँ पर बुद्धि रेखा थोड़ा सा यहाँ आयु रेखा से एकदम हटकर जब बुद्धि रेखा चलती है और इस प्रकार से मोटी होती है, तो व्यक्ति बहुत जुनूनी होता है, मेहनती के साथ जुनूनी और हट किस्म का, यानी कुल मिलाकर के ये बाद में जितनी पतली होती जाओगी हो जाएगी उतने आप जीवन को सरलता से समझना शुरू कर देंगे। तो ये पिछले समय की बात, और आगे की यदि बात करूँ तो यहाँ पर बिल्कुल 47 के बाद में आपकी रेखा पतली होती चली गई है, यानी कि आप दुनिया को अब आगे आने वाले समय में बहुत अच्छी तरह समझेंगे और मौके को समझेंगे और लाभ उठाएंगे। दूर स्थान से रेखा जुड़ रही है, यानी कि आपके व्यापार में कहीं ना कहीं दूर का संबंध ज़्यादा हो तो आपको ज़्यादा लाभ। मंगल पर्व, यहाँ मंगल पर्व से जब इस प्रकार की एक रेखा निकलती है तो व्यक्ति को राज्य सरकार से संबंधित कामों से लाभ भी मिलता है। अब बात कर लूँ मैं आपकी यहाँ पर सीधा सीधा बुद्धि रेखा के बाद में चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत, और चंद्र पर्वत पर यदि देखते हैं तो कोई ज़्यादा रेखा तो नज़र नहीं आ रही यहाँ पर, इस प्रकार की कोई रेखा नहीं दिखलाई देती कि बहुत ज़्यादा दूर स्थानों से जुड़ करके कोई आप काम करने वाले। तो यहाँ बिल्कुल चंद्र स्पष्ट है, छोटी छोटी रेखाएँ, छोटी छोटी बड़ी रेखाएँ जीवन के अंदर हैं, बहुत विदेश से जुड़ने वाली रेखाएँ कोई नहीं है। चलिए इसके बाद में बात करेंगे आपकी सीधा सीधा यहाँ पर जब व्यापारिक रेखा की बात करते हैं तो देखिए आपके पास ये छोटी छोटी व्यापारिक रेखाएं टूट करके हैं। ऐसा जब होता है कि जीवन के अंदर एक ही चीज़ लगातार व्यक्ति को लाभ नहीं देती, या यदि नौकरी हो तो उसमें बार बार ट्रांसफ़र का सामना, कुल मिलाकर के इस तरह की जब स्थितियाँ होती हैं तो जीवन के अंदर व्यक्ति को व्यापार में एक साथ लाभ नहीं दिलाती, यानी टुकड़ों टुकड़ों में लाभ दिलाएगी, नुकसान भी दिलाती रहती हैं। चलिए एक बात कर लेते हैं भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा और एक दूर स्थान से जुड़ी थोड़ी यात्रा देगी, साथ ही साथ ये भाग्य रेखा यहाँ जा कर के मिलने वाली एक भाग्य रेखा का यहाँ पर उदय, और यहाँ आपकी 47 रेखा चल रही है, तो ये आपके पीरियड जो बीच में है ये लगभग ऐसा समझ सकते हैं 35 से लेकर के और जो लगभग 39-40 तक का जो ये समय है वो इतना अच्छा खासा नहीं गया है, इस बात को दर्शाता हुआ। अब जहाँ बात कर रहे हैं 46वें वर्ष में, यहाँ के बात तो अनुकूल स्थिति में आपकी रेखाएं बनी हुई हैं, यानी आप थोड़ा धैर्य रखें, अनुकूलता से जो आपका काम है उसे निरंतरता से करते रहिए, ये आपकी भाग्य रेखा का यहाँ पर फल है। चलिए अब मैं कुछ और बोलने वाला हूँ, उस पहले सवाल ले लेता हूँ। शेयर ट्रेडिंग का काम करने के लिए आप कह रहे हैं और शेयर ट्रेडिंग की रेखा मुझे यहाँ पर कहीं से कहीं तक भी नज़र नहीं आ रही, तो शेयर ट्रेडिंग का काम चाहे डेली ट्रेडिंग का है चाहे वेजी ट्रेडिंग का है कृपया करके ना करें, इनकम सोर्स के लिए इंतज़ार करें, आपको जो काम है वही आपको फलित होगा। जैसे ही आपने शेयर ट्रेडिंग में पैसा डाला आपका पैसा डूब जाएगा, फिर आप बहुत पछताएंगे। तो यहाँ इस बात को बताने वाली रेखा, आपने कहा उधार कब ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आपके जीवन के अंदर अभी 1, 2, 3 हाँ बिल्कुल निश्चित रूप से 2023 के बाद से आपका उधार कम होना शुरू हो जाएगा। आपने पूछा मेरा मकान कब है, आपका बृहस्पति पर, साथ ही साथ शुक्र की रेखाएं और यहाँ पर बनने वाले जो ट्रायंगल्स हैं उनका जो गुणित आया है उसके अनुसार आपका मकान 2022 और 2023 के बीच में बनने के बहुत अच्छे योग हैं। पैसा कब वापस आएगा, 2023 के बाद धीरे धीरे करके आपका पैसा वापस आएगा, तो 2023 के बाद ही कब सब ठीक होगा, 2023 के बाद ही आपका सब कुछ ठीक होने वाला है। बिजनेस भी आपका वही 2023 के बाद में। तो फ्यूचर फाइनेंस की बात करते हैं तो मैंने बताया आपको यहाँ ये रेखा थोड़ा नीचे से आपको सहयोग दे रही है, यानी कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूँ कि आपके जीवन में लगभग 53 वर्ष के बाद तो बहुत ही अनुकूल समय है।
तो यहाँ इतना अच्छा नहीं है हाथ कुल मिलाकर, जैसे कहते हैं साधारण किस्म का आपका हाथ है, जो आपके जीवन में काफ़ी कुछ आपको संघर्ष करा करके फल देने वाला है, ये वाला हाथ है। और इसमें थोड़ा जल्दबाजी से बचने के लिए विशेष रूप से कई जगह जल्दबाजी आई, जैसे आपकी बुद्धि रेखा के अंदर आई जल्दबाजी, आपकी कनिष्ठा उंगली के अंदर जल्दबाजी आई। साथ ही साथ जब मस्तिष्क रेखा से इस तरह का ट्रायंगल बन जाता है, तो ये ट्रायंगल भले ही भाग्य रेखा के अंदर बना हुआ हो, यानी कि 27 से 33 वर्ष तक अच्छा समय समय रहा, इस तरह का ट्रायंगल यहाँ पर बना हुआ है। तो यहाँ मैंने आपकी सारी रेखाओं को बताया, अब मैं बताने वाला हूँ आपको मंगल रेखा के बारे में। मंगल रेखा, ये रेखा जब व्यक्ति के हाथ के अंदर होती है तो सब मुसीबतों से निकाल करके ले जाती है। डबल रेखा आपके हाथ के अंदर है, ये आपको सब मुसीबतों से निकालेगी लगभग लगभग 60 वर्ष तक। साथ ही साथ यहाँ आयु रेखा की बात करता हूँ, थोड़ा सा आयु रेखा पर आपको लगेगा जैसे यहाँ हल्की सी टूट गई है लगभग 66 के पास में, लेकिन ये रेखा बाद में दूसरी कवरिंग रेखा के साथ में बनी हुई है, यानी आयु रेखा आगे को 77 की आयु रेखा आपके पास में यहाँ मौजूद है। तो चलिए आपकी सभी हाथ की रेखाओं पर्वतों को मैंने पढ़ा, थोड़ा शुक्र पर्वत देख लेता हूँ। शुक्र पर्वत कुछ आधा जो है यहाँ पर, ये जो शुक्र पर्वत है यहाँ अच्छी रेखाएं मुझको नहीं मिली, यानी कुल मिलाकर के जीवन में संघर्ष बना हुआ है जो आवश्यकता की चीज़ों के लिए जैसी आप चाहती हैं ऐसी आपको नहीं मिल पा रही हैं। तो साधारण सुख शुक्र है आपका, लेकिन चिंता ना करें, 2023 के बाद बहुत कुछ अनुकूल आपके जीवन में होने वाला है। अब ये भी हो गया, आयु रेखा हो गई, शुक्र पर्व हो गया, आपके सभी रेखाओं पर्वों के बारे में मैंने बताया। मैं आपको कुछ उपाय बता देता हूँ अगर आप वो करेंगे। अभी मुझे ऐसा लगता है कि 2021 से 23 के बीच में कहीं आपको कोई स्थान परिवर्तन या कोई ट्रेडिंग से जुड़ने का योग भी यहाँ कहीं नज़र आ रहा है, तो हो सकता है ऐसा भी आपके साथ कुछ हो। तो चलिए अब बात करता हूँ आपको क्या करें आप, जो आपका व्यापार अच्छी तरह या आपका काम अच्छी तरीके से चल जाए। इसके लिए आपको एक फायर ओपल पहनना है, सिर्फ और सिर्फ एक फायर ओपल पहनना है इस उंगली के अंदर, यहाँ चांदी के अंदर फायर ओपल पहनना है, बाकी कोई रिंग मत पहनिए, वरना सब की सब रिंग ये आपके हाथ के अंदर ग्रहण लगा रही हैं, जो सुख संपन्नता में अड़चन देने वाली रेखाएं हैं। सिर्फ एक लोहे का चल्ला पहन सकते हैं। साथ ही साथ अपनी पूजा में बस एक ही पूजा करिए, मंगलवार का प्रसाद बांटना, हनुमान जी के दर्शन करना, हनुमान जी की पूजा करना, हनुमान अष्टक, हनुमान चालीसा, इस जितना आप हनुमान जी को याद करेंगे उतना आपके जीवन के कष्ट दूर होंगे। नमस्कार।